सावो के बाद एक बार फिर से पैन इंडिया स्टार प्रभास अपने एक्शन अवतार में लौटने वाले हैं। जी हाँ, इस बार प्रभास केजीएफ 2 डायरेक्टर प्रशांत नील की मोस्ट एवेटेड फिल्म सलार में पावरफुल किरदार के रोल में नजर आने वाले हैं। हाँ, वो बात अलग है कि प्रभास की आदि पुरुष फिल्म सिनेमा की दुनिया में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई। लेकिन इस बार प्रभास की सलार फिल्म से फैंस की काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि इस बार फिल्म में प्रभास का एक अलग ही मासी एक्शन अवतार देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें आज तक प्रभास की और फिल्म में देखने को नहीं मिला। वही बात करें फिल्म के ट्रेलर की, तो फिल्म में हमें 2 ट्रेलर देखने को मिलेंगे। पहले ट्रेलर में हमें सलार के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि इसी महीने के अंत में लगभग 28 नवंबर को रिलीज होने वाला है। और दूसरे ट्रेलर में हमें फिल्म के कुछ एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, जो कि फिल्म के रिलीज से ठीक 10 दिन पहले रिलीज किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये फिल्म दिसंबर के महीने में 22 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। और इसी दिन शाहरुख खान की मोस्ट एवेटेड फिल्म डंकी को भी रिलीज किया जाना है, जिसे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनाया गया है, जिन्होंने इससे पहले पीके, संजू और थ्री इडियट्स जैसी सुपर फिल्मों को डायरेक्ट किया है। और अब देखना ये होगा कि इन दोनों फिल्मों से अब कौन सी फिल्म बाजी मारती है, क्योंकि जहां एक तरफ तो बॉलीवुड की फिल्म डंकी है और वहीं दूसरी ओर साउथ की सलार है, तो अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड और साउथ की इस लड़ाई में कौन विजेता रहता है। फिलहाल आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और भी इसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।